Hey guys. Hi guys. Hi Keith. Hello guys. How are you? Hi Keith, कैसे हो? वो वीडियो किसने पोस्ट किया ऑनलाइन? कौन सा वीडियो? वही जिसमें मैंने रीटा को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। किसने शूट किया था वो और किसने ऑनलाइन पोस्ट किया? सब जगह मेरा मजाक बन गया है। हमें नहीं पता Keith, सीरियसली? गाइस, जिसने भी वो वीडियो अपलोड किया है प्लीज बता दो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी लाइफ एंड कर रहा हूं। व्हाट? आखिर क्यों जीऊं? रीटा ने मुझे रिजेक्ट किया, तुम लोग ने मेरा वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके मेरा मजाक बना दिया। अजस हेट यू ऑल। की बेवकूफी मत करो। अब नहीं करूंगा। गुड बाय। Keith, stop! Keith, no! Guys, please, मना करो, उसे रोको कोई। Keith! Keith, are you mad? मत करो ऐसा, please, Keith! Keith, Keith, बेवकूफी मत करो। पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो ये? Keith, listen! Keith, wait! Keith, ये क्या बकवास कर रहे हो? Goodbye everybody. Goodbye. Keith, please phone it out. Keith, please pick up the phone. Keith, please. मैं उसके घर के कॉल करता हूँ। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो। हेलो। आंटी मैं कबीर, कीत का दोस्त। आंटी जल्दी से उसके रूम में जाइए, वो सुसाइड कर रहा है आंटी। क्या? हाँ आंटी प्लीज, वो पंखे से लटक रहा है आंटी, जल्दी जाइए प्लीज आंटी प्लीज। Horrible यार, हमारी आंखों के सामने हमारे दोस्त ने अपनी जान ले ली और हम कुछ भी नहीं कर सके। पर हम कर भी क्या सकते थे? सब मेरी वजह से हुआ, मैंने इसे रिफ्यूज किया था। इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है रीटा। तो और किसका फॉल्ट है? अगर ये Keith का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो आज ये जिंदा होता। वो वीडियो, इन सब की असल वजह वो वीडियो है। आखिर किसने पोस्ट किया वो वीडियो तुम में से? पायल, तू मुझे क्यों देख रही हो? ऐसे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और नेक्स्ट वीक मेरी इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी है। डैड ने कहा है कि टॉप करना है और अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं भी अपनी लाइफ के साथ। शट अप सार्थक,
तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड, ये समाचार पढ़ा तूने? कौन सा सर? प्रेम कहानी असफल हुई तो युवा ने अपनी जान दे दी। पता नहीं क्या हो गया है इस युवा बेटी को। सर लाइफ में वैसे ही इतना स्ट्रेस चल रहा है और लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, पीयर प्रेशर, एग्जाम प्रेशर और लव लाइफ में भी स्ट्रेस। यही तो कष्ट है वरुण कि ये लोग अपना जीवन इतनी तीव्र गति से जी रहे हैं कि जीवन ही पीछे छूट जाता है। काश इनके माता पिता इनको समझा पाते कि जो उतार चढ़ाव है, हार जीत है, ये जीवन का भाग है, वे कभी जीवन को नहीं रोक सकते। मेखला जी मां, मैं और तेरे पापा कपूर अंकल की पार्टी में जा रहे हैं, खाना फ्रिज में रखा है। ओफो, फिर से कंप्यूटर, तू थकती नहीं है क्या? कॉलेज का प्रोजेक्ट है मॉम, कल सबमिट करना है। ठीक है चल मैं चलती हूँ, बाय बाय। हाय मेखला, इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी आई एम लेट। कैसे हो सब? सैड यार, गीत के बिना मजा नहीं। यस, मिसिंग हिम। नाउ इट्स टू लेट रीटा। हाँ, अब रोक के क्या फायदा। हाँ यार, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मिस मी? ये क्या हो रहा है? हु इज दिस? कीत और कौन? अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। स्टॉप दिस, हूएवर यू आर। मजाक तो तुम लोग ने मेरा बनाया था वो वीडियो अपलोड करके। मैं सीरियस हूँ, मैं कीती हूँ और मैं जिंदा हूँ। साइबर स्पेस में उड़ रहा हूँ। स्टॉप दिस प्लीज। आई एम सीरियस और मैं चाहता हूँ कि तुम सब वहाँ आओ जहाँ मैं हूँ। सो गेट रेडी, एक एक करके मैं तुम सबको अपने पास बुलाने वाला हूँ। तुम सब ने रीटा को मेरे खिलाफ भड़काया, तुम में से किसी एक ने मेरा वीडियो अपलोड किया, इसलिए मेरी मौत के तुम सब जिम्मेदार हो। अब सब मरोगे और मेरी दुनिया में आओगे जहाँ हम एक नया चैट रूम खोलेंगे। सी यू सून। Can't believe you guys. कौन ऐसा मजाक कर रहा है कीत बनकर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कीत का आईडिया और पासवर्ड तो सिर्फ हमारे पास था, और फिर ये ग्रुप चैट भी हमारा सीक्रेट था, राइट? और कोई तो शामिल था नहीं इसमें। कीत का कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। Come on guys, उसकी बेचारी मदर और सिस्टर ये करेंगे? वो दोनों तो अभी सदमे में है, ये जरूर किसी और की शरारत है, शायद हम में से किसी एक की। What do you mean by हम में से किसी एक? हाँ, क्योंकि हम छह ही इस ग्रुप और कीत के पासवर्ड को जानते थे। तो बोलो कौन कर रहा है ये? कबीर? शायद तू? कीत और मेरे मजाक उड़ाने में सबसे ज्यादा मजा तुझे ही आता था ना? ए, इतनी समझ है मुझे कि कम मजाक करना चाहिए और कम नहीं। Don't blame me, okay? तुम पहले सोच समझ के बातें किया करो। रिलैक्स, मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते हैं, कीत को हम अपने ग्रुप से डिलीट ही कर देते हैं, ताकि जो भी उसके लॉगिन से हमारे साथ मजाक उड़ा रहा है वो नहीं उड़ा पाएगा। सिंपल, राइट? मैं अभी करता हूं। अरे बैटरी अचानक कैसे डाउन हो गई? व्हाट? कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। वैसे गाइस, वो वीडियो किसने अपलोड करी थी?
प्लीज अब तो बता दो। ओके गाइस, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ओके कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। गुड बाय कीथ। और गाइस, क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? पूछो मत यार, बहुत ही खराब था। मैम ने फिर से मेरी क्लास ले ली मैथ्स में फेल होने के लिए। यार मेरे बाप ने भी धमकी दी है, अगर इस साल टॉप नहीं किया तो मेरा कंप्यूटर मोबाइल सब छीन लेंगे। हाँ यार, मेरी मॉम भी ऐसी है, वो चाहती है कि मैं IIT ज्वाइन करूँ, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू। सीरियसली हाँ, मेरी मॉम को तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आई जस्ट हेट पेरेंट्स। गॉड, बाय द वे, वेयर इज सार्थक? आज तो उसका रिजल्ट था, राइट? लगता है अभी लॉगिन कर रहा है। आई एम बैक गाइस। मुझे ग्रुप से निकाला क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम डेड? कौन हो तुम? अरे कितनी बार बोलूं, मैं कीथ हूं और आज के बाद मैं यहाँ अकेले नहीं होने वाला, मेरे साथ सार्थक भी होगा। What? Are you mad? No, I am not, but he is. देखो तो वो क्या कर रहा है। Guys, मैं फर्स्ट नहीं आया, थर्ड आया हूँ। मेरा बाप मेरी बैंड बचा देगा, मगर इससे पहले वो कुछ करे मैं अपनी जान ले रहा हूं। नो सार्थक, वेट। और पायल, तुम सही थी, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने मुझसे कहा था। गुड बाय पायल। सार्थक एक मिनट रुको। सार्थक स्टॉप। सार्थक मेरी बात सुनो, मत करो ऐसा। सार्थक ऐसा कुछ मत करना। सार्थक प्लीज, सार्थक मेरी बात सुनो। नो नो सार्थक, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सार्थक सार्थक लौट आओ। सार्थक नो, सार्थक वेट। सार्थक सार्थक स्टॉप। सार्थक मेरी बात सुनो। बाय सार्थक, या फिर वेलकम मेरी दुनिया में।
सार्थक की आत्महत्या के लिए पुलिस तुम्हें क्यों दोषी ठहरा? क्योंकि पायल ने सार्थक को अपनी जान लेने के लिए उकसाया ही नहीं बल्कि मजबूर किया। योर ऑनर, सार्थक ने अपनी बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान ली। उस वक्त उसका कंप्यूटर ऑन था और वो एक प्राइवेट चैट कर रहा, जिसका कंटेंट हमने प्रिंट आउट किया। ये चैट पायल के साथ? जी हाँ, और अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सार्थक पायल से ये कह रहा था कि वो एग्जाम्स में सेकंड आया था और यही बात वो अपने पिता से कहने के लिए डर रहा था। और जवाब में पायल बार बार उससे कह रही है कि ऐसी लाइफ अब किसी काम की नहीं, सार्थक अब तुम्हारा जीना किसी काम का नहीं, तुम फौरन टेरेस पर जाकर उठ जाओ, मुक्ति और शांति दोनों मिल। Silence in the court. नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये मेरा चैट नहीं है। कमाल करती हो, लॉगिन आईडी तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है, तो और कौन हो सकता है? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उस दिन सार्थक से चैट किया ही नहीं है। और फिर मैं उसे ऐसा सब क्यों कहूंगी कि तू मर जा, कूद जा, नेवर। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं कहेगा। लेकिन तुमने कहा ये जानते हुए कि सार्थक एक बहुत ही कमजोर तबीयत का लड़का था जो आसानी से लोगों की बातों में आ जाता था, खास करके तुम्हारी, क्योंकि तुम तो उसके गुरु समान थे। लेकिन फिर भी तुमने, प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या है, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो तो भ्रष्ट हो ही गया है, उससे भी भ्रष्ट ये इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ अकाल्पनिक बातें होती रहती हैं, तो संभव है कि किसी ने पायल के कंप्यूटर का उपयोग किया हो या किसी ने इनकी लॉगिन आईडी का उपयोग करके फिर ये चैट किया हो। इट्स पॉसिबल, कोई है जो ऐसा कर सकता था पायल? लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि मेरा पासवर्ड तो सिर्फ मेरे ग्रुप। एक मिनट सर, एक आदमी है जो ऐसा कर सकता है। उसने मेरे आईडी के थ्रू सार्थक से बात की होगी और उसे उकसाया होगा। और वो कौन है पायल? कीथ। ऑर्डर ऑर्डर। कीथ जो मर चुका है वो ये सब कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही कि कीथ ही है, कोई और, क्योंकि उसके मरने के बाद अभी भी कोई हमसे चैट कर रहा है उसकी लॉगिन आईडी से, और फिर सार्थक के बारे में भी उसी ने हमें बताया था। जी सर, पायल सही कह रही, हम सात दोस्त हैं, हमने अपने लाइफ के प्रॉब्लम शेयर करने के लिए नया चैट ग्रुप बनाया, लूजर्स आर विनर्स। ये कैसा नाम है, लूजर्स आर विनर्स? जी, क्योंकि सर हम लाइफ में कहीं ना कहीं बाकियों से अपने आप को कम समझते हैं, कोई पेरेंट्स के साथ, कोई पढ़ाई में, तो कोई लव लाइफ में। तो सर, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया था। रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बस ये एक बात समझना चाहता हूँ, क्या कह रहे हो तुम कि ये जो लूजर्स आर विनर्स, ये पोर्टल तुमने बनाया था ताकि समस्याएं युवा पीढ़ी में चल रही है, तुम लोगों के बीच चल रही है, उसका एक दूसरे को सपोर्ट करके समाधान निकाल, राइट? जी, लूजर्स आर विनर्स। धन्यवाद, आप प्लीज कैरी ऑन। है तो कीथ भी इसका हिस्सा था? जी, कीथ रीटा से बहुत प्यार करता था और उसने रीटा को प्रपोज भी किया था, लेकिन रीटा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात को किसी ने कैमरे से चुपके से रिकॉर्ड करके उसका वीडियो नेट पर अपलोड कर दिया, इसी वजह से कीथ का मजाक बना और उसे अपनी जान ले ली। लेकिन सर, कीथ के मरने के बाद भी कोई उसका लॉगिन आईडी यूज कर रहा था सर। सर, उसके चैट रूम में कुछ है सर, सर उसे ढूंढिए सर। लेकिन ये हम कैसे मान लें कि कोई और कीथ है या नहीं? हमारे पास तो सिर्फ यही एविडेंस है, सार्थक और पायल के बीच वो चैट जहां पायल सार्थक से ये कह रही है कि वो सुसाइड करे। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए आई थिंक शी शुड बी पनिश्ड योर ऑनर। किंतु उसके पूर्व आपको हॉस्पिटल में हो गया ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो पायल ही थी जो चैट कर रही थी। योर ऑनर, ये चैट शाम को लगभग 7:20 से लेकर 7:40 तक चल रहा था, और इस पूरे समय पायल अपनी सहेली रीटा के साथ वहाँ पास ही में गार्डन है वहाँ वॉक कर रही थी।
आपकी अनुमति हो तो मेरी बात प्रमाणित करने के लिए मैं रीटा को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति? रीटा, वो शाम दोनों सहेली मिलकर वहाँ बाग में आप दोनों वॉक के लिए गई थी 7:30 से लेकर 7:40 तक, क्या ये बात सही है? हाँ सर। और क्या वॉक करते समय पायल ने कोई स्मार्टफोन या कोई टैबलेट का उपयोग किया चैट करने के लिए? नहीं सर। फिर क्या लगता है इस चैट के बारे में तुम्हें? उस टाइम वो मेरे साथ ही थी एंड आई डोंट थिंक ये चैट पायल ने की है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और है। कोई और था? योर ऑनर, इससे पूर्व कि मेरे मोकिल पायल पर और आरोप लगाए, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ ये पता लगाया जाए कि वो चैट कौन से आईपी एड्रेस से किया गया था, जिस द्वारा हमें ये पता लगेगा कि वो कौन से कंप्यूटर से, किसके कंप्यूटर से और किस लोकेशन से किया गया था। पुलिस ने अपनी साइबर क्राइम सेल को इसी काम पर लगाया है योर ऑनर, और उसका रिपोर्ट। जज साहब, ये रिपोर्ट देना चाहता हूँ मैडम को। क्या टाइमिंग है, थैंक यू मिस्टर देखले। धन्यवाद। योर ऑनर, मेरा संदेह उचित निकला। पायल का चैट आईडी हैक किया गया था और किसी और कंप्यूटर से ये चैट किया गया। उस कंप्यूटर का कोई लोकेशन है? योर ऑनर, वर्सोवा अंधेरी से एंकर अपार्टमेंट। एंकर अपार्टमेंट्स? वहां तो कीट रहता है, आई मीन था। Silence in the court. Keith, जो मर चुका है, मरने के बाद ये सब करा कैसे? Your Honor, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस केस। जो व्यक्ति मर चुका है, उसके घर से उसके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस ये चैट हो। ये है मेरे बेटे का कमरा। यहाँ घंटों बैठ के वो कंप्यूटर और नेट पर रहता था। जब से उसका डेथ हुआ है, मैंने कमरा बंद ही रखा है, कोई नहीं आया इधर। पूरा कमरा वैसे के वैसा ही है। रीता, सही तो अदालत में भी थी। सीपीयू तो गर्म है। किसने ऑन किया था? नहीं, कोई नहीं आया। ये कमरा तो बंद था। लॉक था तो फिर एडी क्या देख रहे हो? मैं इस कंप्यूटर की हिस्ट्री देख रहा होता है। ये देख, 12 तारीख को कीत की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से प्रतिदिन इस कंप्यूटर को ऑन किया गया है, लॉगिन किया गया है और एक नहीं, अनेक साइट्स पर चैट किया गया है। उसी लॉगिन द्वारा 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, 19 तारीख को तो सार्थक की हत्या हुई थी। कोई आया था इस कमरे में जिसने इस कंप्यूटर को यूज़ किया हो? नहीं, कोई नहीं आया, सिवाय मेरे और मेरी भाई जो सुबह झाड़ू लगाने आती है। लेकिन हम दोनों को तो कंप्यूटर का कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो टीवी का रिमोट भी मुश्किल से चला पाती हूँ, लेकिन लीजा तो। लीजा? लीजा मेरी बेटी, कीत की बड़ी बहन, वो 2-3 बार आई थी। इस समय कहाँ है लीजा? वो तो फ्लाइट पे है, अक्सर बाहर रहती है, एयर होस्टेस है ना, लेकिन उसे भी कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है। सर, इतना लॉगिन करने के लिए किसी को यहाँ पर रोज आना चाहिए, वो भी किसी एक्सपर्ट को जिसे इंटरनेट के बारे में सब कुछ पता हो, कि किसी का भी पासवर्ड हैक करना आसान बात नहीं। कीत का कोई दोस्त? नहीं, कीत के जाने के बाद तो ये कमरा बंद रहता है। नहीं, अगर ये कमरा लॉक है, कोई दोस्त नहीं है कीत का, तो फिर ये कहां से आए? ये चॉकलेट यहाँ पे, ये तो
पीट खाता था जब वो कंप्यूटर पे बैठता था, लेकिन उसका आदत था चॉकलेट खाने का। शायद पहले से रखा हो। नहीं, पहले से नहीं रखा होगा। पहले से रखा होता तो अब तक इसमें चींटियां पड़ गई होती, लेकिन ऐसा है नहीं। फ्रेश लग रहा है। एक काम करना पड़ेगा, इसकी फोरेंसिक और डीएनए टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। ये चप्पल यहाँ कैसे? ये तो ये कंप्यूटर पे बैठा था तभी यहाँ होती थी, लेकिन ये तो सूरत में थी, ये यहाँ कैसे आ गई? कीत रहा नहीं, ये कमरा आपने लॉक रखा है। का कोई दोस्त भी नहीं आया तो फिर चप्पल यहां कहां से आ गई? थैंक यू केडी सर, आपकी वजह से मुझे बेल मिल गई। लेकिन सर, क्या मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अदालत में तो ये साबित हो गया है कि कोई और तुम्हारे नाम से सार्थक को उकसा रहा था। अब तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कीत के उंगलियों के निशान, और सबसे हैरत वाली बात यह है कि आधा खाया हुआ चॉकलेट उसी ने खाया था। यह है उसकी डीएनए रिपोर्ट। सो हाउ इज इट पॉसिबल, एक आदमी जो एक महीने पहले मर चुका है वो वापस लौट कर आता है अपने घर से, अपने ही कमरे से पहले जैसे चैटिंग कर रहा है, और वो भी चॉकलेट खाकर। सर, कहीं वो बात सच तो नहीं है कि कीत जिंदा है और साइबर स्पेस में है? और ऐसा नहीं होता, लोग मरने के बाद में साइबर स्पेस में नहीं रहते, भगवान के घर चले जाते हैं। जानती हो वो कीत का वीडियो किसने अपलोड किया था? शायद से I really don't know। ये लीसा, कीत की बहन, वो फ्लाइट से कब लौट गई? इवन पुलिस आई थी, पर कीत की कमरे में कंप्यूटर कौन यूज करेगा? वही तो मैं बोल रही थी उनको। बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है कीत अपने कमरे में वापस आया है। डोंट बी सिली मामा, तब कभी वापस नहीं आएगा। हेलो, प्लीज रोना बंद कर। देख, कीत कल भी प्रॉब्लम था और आज भी प्रॉब्लम है, मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं दे रहा। एनीवेज, मैं घर पहुंचकर तुझे फोन करती हूँ, ओके? बाय। दिन बेकारों की तरह घूमता रहता है, पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं। अगर इस बार फेल हुआ ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। हाय गाइस, सुना है पायल को बेल मिल गई? हाँ, क्या लगता है वो गिल्टी है कि नहीं? पता नहीं यार, कुछ कहना मुश्किल है। ये सब कुछ रीटा के वजह से हुआ है। शट अप कबीर, मुझे तो लगता है वो वीडियो तूने ही अपलोड किया था। शट अप रीटा। आई एम बैक गाइस। हू द हेल आर यू? हो कौन तुम? हजार बार पूछने से मैं कोई और नहीं होने वाला हूँ। साबित करो कि तुम केत हो।
ओके तो ये सुनो रीटा, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे कान में एक बात कही थी जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, किसी को बताया तो नहीं? नो वो बात याद है? हाँ मैंने कहा था पायल से दूर रहो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती है। लेकिन मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं की थू माय डार्लिंग, तुम्हारे मुझसे दूर होने की एक वजह पायल है और पायल को उसकी किए की सजा मिलेगी। पायल ठीक 8 बजे फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट शुरू होगी और कोई यहां की मेन स्विच ऑन करेगा। और बिजली के आते ही पायल को उसकी किए की सजा मिल जाएगी। हेलो तवे सर, कीत ने पायल को किडनैप कर लिया है सर। कीत ने? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सर प्लीज सर, हमारे कंप्यूटर्स पर लाइव आ रहा है। पर कैसे, कहाँ है वो? पता नहीं सर, कोई अंधेरा सा कमरा है। जिस कमीने ने भी ये किया है मैं उसका इससे भी बुरा हाल करूंगा। दवे, पायल को यहां बेहोश करके लाया गया था। तुम्हें कैसे पता? यहां देखो, जमीन पर पायल के पैरों के चलने के निशान नहीं, घसीटने के निशान, और वहां जूतों के निशान। हेलो, क्या गीत बनकर फिर से चैट कर रहे हैं? उसी कंप्यूटर से, उसी कमरे से और उसी घर से? आप लोग यहाँ बार बार क्यों लौट रहे हैं? क्या है इस कमरे में? गीत फिर से चैट रूम में आया तो मुझे संदेह है कि इसी कंप्यूटर से लॉग इन किया था। सीपीयू गर्म है, इसका मतलब मेरी शंका सही है। लेकिन मम्मा तो चर्च गई थी। और आप? मैं अपने कमरे में सो रही थी।
मैं फ्लाइट से आने के बाद थक गई थी तो एक मिनट, यहाँ कोई आया था, वो कीत का दोस्त कबीर। क्यों कबीर क्यों आया था? कीत ने उसकी कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बुक ऑर्डर करी थी, वो उसी को लेने आया था वापस, पर वो हार्डली 5 मिनट ही रुका होगा इस कमरे में। ऐसी मैम, ये जूते कीत के हैं। सर, if you don't mind, तो ये बस जो जूते के छाप मिले थे, क्या नंबर था उनका? 9 नंबर। एडी, ये तो वही साइज है तो पायल की बॉडी के पास मिला। What? पायल की लाश? I mean, कीत की एक और फ्रेंड की डेथ हो गई। ये सब हो क्या रहा है? कौन कर रहा है ये सब? मुझे पूरा विश्वास है कि निशान भी इसी जूते के तले के होंगे, देख मिट्टी भी लगी हुई। You mean कीत के जूते कहीं और? पर ये कैसे हो सकता है? ये जूते तो सिर्फ कीत पहनता था। देखिए, अगर आप दोनों कुछ छुपा रहे हैं तो Mom, please stop crying. मेरा भाई अब दुनिया में नहीं रहा, और अब है कि हमारे पास छुपाने को या खोने को? आई मीन, जब हम कह रहे हैं हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, तो आप लोग समझते क्यों नहीं? मैम, क्षमा चाहते हैं आपको, रुलाना नहीं चाहते थे। क्षमा चाहता हूँ। सर, कबीर वहां आया था, 5 मिनट काफी होते हैं एक जोड़ी जूता वापस रखने के लिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कीत बनकर ये सब कर रहा है? सर, क्या कर रहा है? मैं उस चैट ग्रुप में लॉगिन कर रहा हूँ। कबीर को कहकर मैं भी चैट ग्रुप का मेंबर बन गया हूँ। देखना चाहता हूँ कि ये नया कीत कौन है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कीत बनकर ये सब कर रहा है? क्या लगता है अमन, पायल को किसने मारा होगा? सब क्या कर रहे? आई डोंट नो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो जैसे मुझे सब पता होगा? चल, गुस्सा मत हो, मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आई नो, आई अंडरस्टैंड। आई विश हमें पता चल सके कि ये कीत कौन है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, पायल और सार्थक मेरे साथ हैं और अपना हाय बोल रहे हैं। सर, कीत? केडी सर, सर कीत फिर से चैट रूम पे वापस आ गया। हाँ अमन, मैं देख रहा हूँ, मैंने भी लॉगिन किया है, मैंने उसका पॉपअप होते हुए देखा। तो एक काम कर, उसको चैट पे बिजी रख, मैं उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करने का प्रयास करता हूँ। ओके सर। अरे, एक आईपी एड्रेस ट्रेस करना है। अच्छा, तो कोई और सबूत है कि तुम कीत हो? ये बताओ कि तुम्हारा मेरे लिए पेट नेम क्या था? कीत का घर, उसका कमरा, उसका कंप्यूटर। मैं भी वहीं जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूं। चल। हेलो, हेलो लीजा, कीत की कंप्यूटर से अभी फिर से चैटिंग हो रही है, क्या कोई है वहां पर? व्हाट नॉनसेंस, इस वक्त कौन होगा उसके कमरे में? प्लीज प्लीज चेक कीजिए, वो अभी ऑनलाइन है। ओके।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.